हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल के लिए निफ्टी के लेवल्स और कौन से स्टॉक्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का 1 आवर चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 17,153, उसके बाद जो सपोर्ट है 17,027, इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 17,223, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 17,314 और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 17,385। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं निफ्टी कुछ टाइम से एक थोड़े से करेक्शन मोड पे आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर करेक्शन के बाद एक पुल बैक आया है, फिर एक करेक्शन आई है, फिर एक पुल बैक आया है, फिर आप देख सकते हैं अच्छी खासी करेक्शन आई, फिर एक पुल बैक आया। तो बेसिकली हर करेक्शन के बाद एक पुल बैक ज़रूर आता है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं करेक्शन आई है, फिर ये पूरा पुल बैक का जोन चल रहा है। लेकिन इस वाले पुल बैक के जोन में एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी रिजेक्शन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक लो आई, हायर लो, लो से भी ऊपर इवन हायर लो, लोज आर प्रेसिंग अपवर्ड्स, ये अपने आप एक थोड़ा सा बुलिश साइन है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हम देखें तो डाउन ट्रेंड है। तो इसके अंदर कल जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो शॉर्ट की होगी, तो इसको हम थोड़ा और क्लियरली देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट का आज का चार्ट है। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुली थी, उसका निफ्टी सारा दिन आज ऑलमोस्ट एक रेंज में रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अराउंड 240 के अराउंड, तो आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ड्रॉप हुई है 35-40 मिनट्स में। काफ़ी स्टीप करेक्शन आई है इसके अंदर। तो कल एक पॉसिबिलिटी कि निफ्टी गैप अप ओपन हो, तो कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, इस वाले जोन में ओपन होती है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है 17,223 का, तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 17,223 का। उसके बाद जब निफ्टी नीचे आनी शुरू होगी तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 17,203। इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा होगा 17,161। निफ्टी अगर इसको क्रॉस कर जाती है, इसको ब्रीच कर जाती है, तो उसके बाद टेक प्रॉफिट का जो आपका सेकंड लेवल होगा होगा 17,040। और फ्रेंड्स, आपको अपने स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट्स के साथ ट्रेल करना है। और कल अगर निफ्टी बेसिकली ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 17,314 का, तो आपको रीटेस्ट होगा 17,314 का। रीटेस्ट आप 1 मिनट चार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब आप इसको बाय कर सकते हैं अराउंड 17,320 और इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट होगा होगा 17,380। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को ज़रूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फाइजर का 1 आवर चार्ट है जिसमें की सपोर्ट है 4953 और उसकी रेजिस्टेंस है 5228। तो इसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लो आई, हायर लो आई, लो से भी ऊपर इवन हायर लो। मैंने आपको हमेशा बताया अगर लोज ऊपर की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं तो एक बुलिशनेस का साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ और बिना रीटेस्ट के सीधा ऊपर चला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है रेजिस्टेंस पे और प्राइस बिल्कुल वापस अपनी सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पे एट द सेम टाइम रीटेस्ट भी हो गया। अभी प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस इस कंसोलिडेशन से ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा होगा 5005 अराउंड यहाँ पर। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 5216 अराउंड यहाँ पर। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे एंड स्विंग लोस के नीचे जो होगा 4850। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी ट्रेड आई, देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी। फ्रेंड्स, ये डिवीज लैब का 1 आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 4544 और उसकी रेजिस्टेंस है 4768। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। यहाँ पे प्राइस ने एक बॉटम बना दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक लो है, ये हायर लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ, प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है अभी। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस इस कंसोलिडेशन से ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 4605 अराउंड यहाँ पर। इसमें जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा होगा 4760 अराउंड यहाँ पर। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे इन स्विंग लोस के नीचे जो होगा 4486। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। और दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़, जितने भी मैं आपको टेक प्रॉफिट के लेवल देता हूँ थोड़े से बड़े देता हूँ, तो इंट्राडे में आपको जितना टेक प्रॉफिट का लेवल मिले उतना आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरा टेक प्रॉफिट का लेवल चाहिए तो आपको ट्रेड को 1-2 हफ्ता होल्ड करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।